चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधि। जैसा कि अभी मेरे सम्मानित साथी योगेंद्र जी ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और बिल्कुल सादा और सिंपल शब्दों में उन्होंने बताया कि हम क्यों जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने के पीछे हमारा क्या महत्व है। और जिन लोगों ने जोड़ने का काम किया, जुड़ने का काम किया, इतिहास गवाह है कि वो लोग जीते हैं और उनकी कभी हार नहीं होती। विद्वानों ने कहा है कि जो समाज संघर्ष नहीं करता उनकी नस्लें खत्म हो जाती हैं। तो समाज को हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए और संघर्ष कभी अकेले नहीं होता है, संघर्ष जुड़ने से होता है। हम जुड़ना क्यों चाहते हैं? अगर हम अपने पड़ोसी को अपने साथ जोड़ करके रखेंगे तो यदि हमें कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले वो हमारा पड़ोसी, वो हमारा भाई हमारे काम आएगा। और वो काम तभी आएगा जब वो हमारे साथ वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, भावनात्मक रूप से अगर हमारे साथ जुड़ा होगा। वही जो कॉन्सेप्ट है वी द पीपल का, ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमारे विद्वान साथियों ने जिस प्रकार से इस पृथ्वी के अंदर इतनी संपदा है और उस संपदा को वैज्ञानिक लोग अपने अपने तरीके से उसको खोज निकालते हैं। और जिस देश में जितनी ज्यादा संपदा होती है, जिस क्षेत्र में जितनी ज्यादा अच्छी संपदा होती है, उस क्षेत्र का, उस राष्ट्र का उतना ही विकास होता है। हमारे समण संघ में, हमारे समण समाज के लिए हमारी जो संपदा है हमारे महापुरुष हैं, और उससे भी बड़ी संपदा है कि जो हमारे महापुरुषों ने हमें जो विचारधारा दी, हमें जो उन्होंने अपनी एक आइडियोलॉजी दी, हमें जो उन्होंने सोचने का तरीका दिया, हमें जो लोगों को जोड़ने का एक तरीका बताया, हमें जो प्रचार प्रसार करने का तरीका बताया, वो इतनी बड़ी संपदा है। और उस संपदा को हमारे विद्वान साथियों ने उसे ढूंढ करके निकाला और निकाल करके इस समण संघ को या इस बहुजन समाज को पुनः जागृत करने का काम किया। मैं साधुवाद देना चाहता हूं उन साथियों को जिन्होंने अथक प्रयास और इतनी कड़ी मेहनत से उन महापुरुषों की विचारधारा को हमारे सम्मुख लाने का काम किया। आज हमें ऐसा लगता है जब हम कॉन्सेप्ट सुनते हैं, चाहे हमारे श्रद्धे सुधीर राज जी कहे या कोई भी साथी जब कॉन्सेप्ट यहाँ पर सुनाता है, बताता है और जुड़ने का महत्व बताता है कि हम जुड़ना क्यों चाहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अब जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो इस समण संघ के साथ है। और जो समण संघ की जो विचारधारा है उसको लेकर के हम लोगों के घर घर जाएं और इस समण संघ को मजबूत बनाने का काम करें, उन महापुरुषों की विचारधारा को जिन साथियों ने ढूंढ करके निकाला। ऐसा नहीं कि वो विचारधारा पहले थी नहीं, लेकिन जो विद्वान साथियों ने उस संपदा को निकाल करके हमारे सम्मुख लेकर के आए और हमारे समाज का जुड़ने का और जोड़ने का जो एक कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया और बना करके जो से बुद्ध की विचारधारा से जोड़ करके उसको बताने का काम किया, समझाने का काम किया,
वो काबिल तारीफ है और उसके परिणाम आ भी रहे हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, बशर्ते हम उस कॉन्सेप्ट को अपने जीवन में उतार ले और जीवन में उतार करके उस कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू करें। जुड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे भी नहीं, और जैसे जैसे जुड़ जाएंगे वैसे वैसे जीतना प्रारंभ हो जाएगा। हम कभी कभी मुस्लिम भाइयों से हम कभी कभी बहुत सारी बातें हम लोग सीखते हैं। वो अपने मस्जिद में 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। 5 टाइम नमाज पढ़ने का उनके पीछे जो मकसद है वो जुड़ने का ही मकसद है। वो जुड़ते हैं और कोई भी कोई फतवा जारी करना होता है या कोई भी सूचना अपने समाज तक पहुंचानी होती है, केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी अगर कोई सूचना पहुंचानी होती है तो एक मस्जिद से या उनके एक धर्म स्थल से अगर कोई भी एक फतवा जारी हो जाता है, कोई भी सूचना जारी हो जाती है, वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। कारण वो लोग जुड़े हैं, चाहे धार्मिक रूप से जुड़े हों वो, चाहे वैचारिक रूप से जुड़े हों वो, चाहे सामाजिक रूप से जुड़े हों, लेकिन वो लोग जुड़े हैं। और जुड़ने का परिणाम ये है कि वो जहां भी खड़े हो जाते हैं वहां जीतते हैं। उनकी बहन बेटियों के साथ कभी कोई बलात्कार की सूचना हम ना अखबारों में सुनते हैं, ना न्यूज चैनल पर सुनते हैं। उनके साथ किसी भी प्रकार का शोषण की बातें ना हम अखबारों में सुनते हैं, ना हम न्यूज चैनल पर सुनते हैं। कारण वो लोग जुड़े हैं, हमें भी जुड़ना होगा। जुड़ने के पीछे हमारे जो लक्ष्य हैं वो बहुत बड़े लक्ष्य हैं। लोग समझते हैं कि शायद हमारे इस जुड़ने के पीछे कोई लक्ष्य नहीं है, हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है। और सबसे बड़ा लक्ष्य तो ये है कि हम लोग इस देश में, इस पूरी दुनिया में सुखी रहना चाहते हैं, और सुखी रहने के साथ साथ हमारी जो जनरेशन है, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, हम उनको भी सुखी रखना चाहते हैं। अगर वो सुखी रहेंगे, हमें उनका भविष्य अगर अच्छा दिखाई देगा तो हम सुखी रहेंगे, तो उनको सुख मिले, इस बहुजन समाज को, इस देश में सुख मिले, इसलिए जुड़ना होगा। अगर नहीं जुड़ेंगे तो हम जीतेंगे भी नहीं। हमें इस देश में 70 सालों से, या हम ये कहें कि अगर संगठनों का इतिहास भी हम जानकारी करें तो बहुत ज्यादा पुराना है, 30-40 साल पुराना संगठनों का इतिहास है। उन्होंने संगठनों को बनाने का काम किया और बनाने के पीछे उनकी मंशा थी कि हम समाज से पैसा लेंगे और समाज से पैसा लेकर के उनको अधिकारों को बचाने का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने समाज को, उन्होंने पैसा भी दिया, चंदा भी दिया, उन्हें हर प्रकार के संसाधन भी जुटाए, लेकिन वो परिणाम नहीं आया जो परिणाम आना चाहिए था। संगठनों का काम केवल पैसा इकट्ठा करना नहीं, और आज जब हम समण संघ की कोई भी फिजिकल बैठक या हम वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, अभी मेरे प्रिय साथी ने, योगेंद्र जी ने बताया कि बिना खर्चे की हमारी मीटिंग है, बिना खर्चे का हमारा काम है। हम आम जनता से जाकर के किसी प्रकार की कोई रसीद, कोई चंदे का काम ये समण संघ नहीं करेगा, भविष्य में नहीं करेगा, इस बात को हम लिख करके दे सकते हैं। अगर समण संघ का कोई भी कार्यक्रम करना है तो जो इसके एक्टिव मेंबर हैं वो, अगर छोटा मोटा खर्चा भी कोई हमारे बीच में आता है, उस छोटे मोटे खर्चे को आपस में बांटने का काम करेंगे, आम आदमी से या समाज में जाकर के लोगों से चंदा उगाहने का काम ये समण संघ कभी नहीं करेगा। राजनीति में ये समण संघ जाएगा नहीं, कोई भी व्यक्ति समण संघ का राजनीति में जा सकता है, चंदा नहीं लेगा, राजनीति में नहीं जाएगा। लोगों को सबसे बड़ी जो शंका होती है कि अन्य संगठन बने
और वो राजनीति में चले गए। तो पहली बात तो ये है कि ये संगठन नहीं है, ये संघ है, और ये वो संघ है जो बुद्ध से भी पहले के समय में संघ की परिकल्पना इस देश दुनिया में हुआ करती थी। और जब हम संघ में काम करेंगे तो हमारी विचारधारा भी एक होगी, हमारा लक्ष्य भी एक होगा। जब हमारी विचारधारा एक होगी, जब हमारा लक्ष्य एक होगा, तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। और जब हम जीतेंगे तो हमें और हमारी जनरेशन को सुख प्राप्त होगा। तो अंत में मैं इसी बात को कहना चाहता हूं कि हमें जुड़ना होगा, अपने सुख के लिए जुड़ना होगा, अपने बच्चों के लिए जुड़ना होगा, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जुड़ना होगा, अगर सुखी चाहते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।